हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अगर आप सीटेट एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो 5 जुलाई से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। पा वर्ग के वर्ण हैं दंतोष्ट, काठोष्ट, ओष्ट या दंत, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, नोट कर लें, ओष्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 में क्वेश्चन आते हैं अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना होगा, ठीक है, यानी ग्रामेटिकल एरर, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्क्रीन पर आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, उर्ण आपका शब्द है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। कस्तूरी शब्द का जेंडर किया है आपको बताना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, नोट कर लें। कस्तूरी शब्द आपका कैसा है, कस्तूरी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फोर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप सभी इसका कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए साहित्य जीवन की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवरात्र में कौन सा समास होगा। सभी छात्र बिल्कुल सही आंसर देंगे, समास में सबसे सरल समास माना जाता है, ठीक है, हिंट दे दी है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर फाइव, नवरात्र में कौन सा समास होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, दिग्गू समास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे रहा है नव, यानी समझ चुके हैं ना आप, इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, दिग्गू समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा आप नोट कर लें, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उल्लास का होगा उत्धन लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, ठीक है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन, संस्कारी, सर्वत या बहुअग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, नोट कर लें। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन का बच्चे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर एट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें, ठीक है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी हिंदी एंटोनिम्स क्या होगा, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर एट, उत्कृष्ट का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, निकृष्ट होगा, ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। शब्द है आपके पास लुटेरा, लुटेरा में प्रत्यय कौन सा होगा, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर नाइन है स्क्रीन पर, नाइन का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नोट कर लें। लुटेरा में एरा प्रत्यय होता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर टेन है स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सौभाग्य शब्द का
तद्भव शब्द क्या होगा। तद्भव समझ लेना, तद्भव जो शब्द हिंदी में हिंदी भाषा से ही लिए जाते हैं, ठीक है, हिंदी के समान होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा के समान होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सौभाग्य का तद्भव शब्द होगा आपका सुहाग होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नोट कर ले, संयुक्त स्वर है आपका औ होगा, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर आप, आज का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नोट कर लें, तुम वह और मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप समझ चुके होंगे सब क्वेश्चन, मतलब एक वाक्य को देख कर ही। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा बहुवचन, यानी इसमें, ठीक है, कर्ता आपका तुम है, वह है, मैं है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा कर्ता होते हैं वहाँ बहुवचन होता है, इसलिए तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आपको बताना है कागा का तत्सम रूप क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। कागा शब्द है तद्भव का, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका काक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है, अध्ययन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, नोट कर लें, अध्ययन में आपकी ईयन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुनीवर में कौन सा समास है, मुनीवर शब्द है आपके पास, मुनीबर में समास आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नोट कर लें, कर्म धारा समास इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। नाक में दम कर देना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदी इडियम्स, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 16 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी होगा, नोट कर ले, बहुत परेशान करना। अगर कोई आपको बहुत परेशान करता है तो आप कह सकते हैं कि उसने तो मेरा नाक में दम कर दिया, 16 का बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें, उज्जनी शब्द का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग यानी शब्द के आगे लगता है जिसे बोलते हैं हिंदी प्रीफिक्स, ठीक है, उज्जनी में उपसर्ग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, नोट कर लें, उज्जैनी में उत उपसर्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 18, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द किया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नोट कर लें, आकाश शब्द का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी सुरनदी स्वर्ग स्वर्ग नहीं, ठीक है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर डी होगा आपका, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है मंदाकिनी और सुरनदी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, सभा कौन सी संज्ञा है, वेरी गुड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं कमेंट करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नोट कर लें, समूहवाचक संज्ञा है आपकी सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर आज का 20 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है, आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, दूध में क्या पड़ गया, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 20
दूध में क्या पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है उस वाक्य को, तो दूध में क्या चला गया करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, दूध में क्या पड़ गया, ठीक है, अशुद्ध वाक्य, ठीक है। तो थैंक यू।